सो हेलो गाइस आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे होंगे हमारे ऑटो इंस्टा का प्रोजेक्ट आ, पिछले वीडियो में तुमने देखा था यार कि हमने किस तरीके से एक सक्सेसफुली एक इमेज जो है वो अपलोड कर दी थी इंस्टाग्राम पर बट आज के इस वीडियो में हम इसे पूरी तरीके से ऑटोमेट कर, करेंगे मतलब कि ये फ़ोटोज़ अपने आप लेगा एंड देन अगर वो पी में हुई तो उसे जे में कन्वर्ट करके और फिर पोस्ट करेगा ये सारा काम हम आज के इस वीडियो में करेंगे तो बनाना स्टार्ट करते हैं यार पहला जो कोड लिखा था वो मैंने जो है वो क्लीन कर दिया है क्योंकि मैं एकदम नए सिरे से शोटो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ फ्रॉम इंस्टा बॉट इंस्टा बॉट मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था यार ये हमें बॉट पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी uh, हमारे इंस्टाग्राम को ऑटोमेट करने के लिए ओके देन इसके बाद में आपको लिखना है बॉट इज इक्वल टू बॉट मतलब कि हम बॉट क्लास को इस बॉट नाम के वेरिएबल में सेव uh, करवा रहे हैं इसके बाद में हम लॉगिन करेंगे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में बाय राइटिंग दिस बॉट डॉट लॉग इन एंड देन आपका यूजर नेम यहाँ पर यूज़र नेम एंड देन आपका यहाँ पर पासवर्ड ठीक है uh, सो so इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस तरीके से पैरामीटर्स पास कराने तो आर्गमेंट्स पास कराने होंगे इस तरीके से यूज़र नेम लिखने के बाद में इसे एंड पासवर्ड लिखने के बाद में आपका पासवर्ड जो भी है वो आपको लिखना है तो इस लाइन से आप जो है वो इंस्टाग्राम पर लॉग हो जाएंगे मतलब कि आपका इंस्टा बोट उससे लॉग कर देगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका नाम लिख लें सुंदर सा इसका नाम है ऑटो इंस्टा ठीक है देन इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है बॉट डॉट अपलोड फोटो ठीक है वीडियो अपलोड जो है वो इस पर नहीं हो रही है मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रही है बट यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है मैंने करके देखा था तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है और स्टोरीज भी हम अपलोड करेंगे बट अभी के लिए हम सिर्फ फ़ोटोज़ तक सीमित रहेंगे ओके तो हम फोटो अपलोड करेंगे ये हमने पिछले वीडियो तक देख लिया था कि यहाँ पर हम फोटो का पाथ डालते हैं जहाँ पर भी फ़ोटो रखी है उसका कंप्लीट हम पाथ डालते हैं एंड इसके बाद में यहाँ पर आप कैप्शन डालते हैं जो भी आपको फ़ोटो के नीचे कैप्शन रखना है वो तो इतना हमने पिछले वीडियो तक देख लिया था आज हम इसके आगे बिल्ड करेंगे तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यार कि जहाँ पर मेरी ये फ़ाइल रखी है वहाँ पर हम जाते हैं यहाँ पर मैं जाऊँगा शो इन एक्सप्लोरर करके कहाँ गया ये रहा शो इन एक्सप्लोरर करके जाऊँगा और वहाँ ये जिस फोल्डर में सेव है वहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा राइट क्लिक करके क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारा ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे इस फोल्डर का नाम रखते हैं ऑटो इंस्टा और इस ऑटो इंस्टा में हम इस फाइल को रखते हैं और इधर एक और हम फाइल बनाते एक और फोल्डर बनाते हैं जिसमें रहेंगी हमारी फ़ोटोज सारी फ़ोटोज जितनी भी रहेंगी इस फोल्डर में हमारी फोटोज रहेंगी और ये ऑटो इंस्टा का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये इस फोटोज में से इस फोटोज नाम के फोल्डर में से फोटोज को उठाएगा ओके आ, ये हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है ये रहा ठीक है तो सबसे पहले तो हमें इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स उनके नाम चाहिए होंगे ठीक है कि कितने फाइल्स हैं उनके हमें सबके फाइल्स के नाम चाहिए होंगे इसके लिए हम यूज करेंगे ओ एस मॉड्यूल का तो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ ओ एस मॉड्यूल को देन इसके बाद में मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँगा आपको बताता हूँ देखो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको लिस्ट डी आई आर ठीक है डॉट लिस्ट डी आई आर एंड देन मुझे यहाँ पर पाथ देना है तो मैं यहाँ पर कम्प्लीट पाथ दे रहा हूँ आप चाहे तो रिलेटिव पाथ दे सकते हैं बट मैं यहाँ पर इसका कंप्लीट पाथ दूंगा कारण यह है कि हम हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे जाकर जो है वो क्लाउड uh, पर अपलोड करेंगे तो क्लाउड पर जो है वो रिलेटिव पाथ जिस क्लाउड टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे जिस क्लाउड प्लेटफॉर्म का हम यूज़ करेंगे वहाँ पर वो जो है वो रिलेटिव पाथ नहीं लेता है कम्प्लीट पाथ लेता है तो इसलिए हम पहले से ही कम्प्लीट पाथ जैसा प्रोजेक्ट बना के चलते हैं ठीक है ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए तो इसके लिए Uh, मैं सबसे पहले तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब कि जिस डायरेक्टरी में हमारा ये प्रोजेक्ट पड़ा है वो निकाल लेता हूँ इसके लिए मैं करेंट सी डब्ल्यू डी लिखूंगा सी डब्ल्यू डी मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी और ओ एस डॉट कैट सी डब्ल्यू डी से मुझे इस ये जहाँ पर भी मेरा ऑटो इंस्टा पड़ा होगा वहाँ की करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाएगी अभी के केस में तो आपको मालूम है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी इस पाथ पर है बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटर में आपको नहीं मालूम रहेगा कि उसका एब्सोल्यूट पाथ क्या है ठीक है तो क्योंकि अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो अलग अलग जगह पर डिप्लॉय होता है तो इसलिए हम इस मेथड से जो है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी निकालेंगे एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिस्ट चाहता हूं। मतलब मुझे लिस्ट चाहिए किसकी लिस्ट चाहिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी में करंट वर्किंग डायरेक्टरी में और अब हम यहाँ पर इस डबल बैक स्लैश का यूज नहीं करेंगे ठीक है हम ये फ्रंट स्लैश बोलिए या फिर बैक स्लैश का जुड़वा भाई जो भी आपको बोलना वो बोलिए इसका यूज़ करेंगे ठीक है क्योंकि जिस क्लाउड प्लेटफॉर्म का हम यूज़ करेंगे उसमें ऐसा ही होता है ठीक है तो आप ऐसा करें कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे ये दोनों और ये दोनों दोनों की चीज़ें सेम ही होती है दोनों की बात एक ही बात होती है ठीक है तो सी डब्ल्यू डी में जो हमारा फोटोज़ नाम का फोल्डर है उसमें से तुम हमें उसमें जितनी भी फाइल्स है उसका नाम निकाल के दे दो अभी मैं रन करूँगा तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि ये कुछ फाइल में डाला ही नहीं है ओके uh, okay, ये लॉगिन कर रहा है पहले तो तो चलिए इसे होने देते हैं लॉग इन थोड़ी देर तक ये क्योंकि ओके okay, और फेल्ड ओके पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने डाला ही नहीं तो लॉगिन कहाँ से करेगा सो so, मैं अभी इसे लॉगिन और ये जो अपलोड फोटो वाला काम है इसे कमेंट आउट करता हूँ और मैं सबको सिर्फ इतना सा करके दिखाता हूँ तो ये देखो इसने एमपट लिस्ट दी है क्योंकि ये सारे जितने भी फाइल्स के नाम रहते हैं उससे लिस्ट में हमें शो करवाता है तो अभी उसमें कुछ है ही नहीं तो एमपिट लिस्ट है तो मैं काम करता हूँ थोड़े से फोटोज़ में डाल देता हूँ और फिर हम वापस काम करते हैं ओके सो गाइज़ यहाँ पर मैंने जो है वो ओके सो गैज यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ केक्स की के फ़ोटो मेरे पास पड़ी थी तो वो मैंने इसमें डाल दी है और अब हम हमारी जो है वो स्क्रिप्ट को रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है तो ये देखो इसने हमें सारे जो है वो फाइल्स के नाम उसमें जो भी थे वो निकाल के दे दिए ठीक है के एक सेवन के एक एट और जितने भी थे सब निकाल के दे दिए सो uh, so अब हमारे पास फाइल्स के नाम तो आ गए हैं इसकी कोई दिक्कत नहीं है तो हम इससे जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं फाइल्स फाइल्स एंड उसको नेम नाम के वेरिएबल में हम इसे स्टोर करा लेते हैं तो अब इस फाइल्स नेम में हमारे सारी फाइल्स के नेम पड़े हुए होंगे देन इसके बाद में हमें क्या करना है इसके बाद में हमारे जो बोर्ड डॉट फोटो डॉट अपलोड है इसे हमें यहाँ पर लगा देना है ठीक है और फिर हमें इसे बताना भी होगा कि कहाँ से अपलोड करना है तो यहाँ पर भी रिलेटिवली पाथ हम नहीं डालेंगे कंप्लीट पाथ डालेंगे तो इसके लिए मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए लिखता हूँ सी डब्ल्यू डी में के फोल्डर में जाओ वहां पर फोटोज नाम का फोल्डर तुम्हें मिलेगा फोटोज नाम का फोल्डर मिलेगा और उसमें से तुम जो यहाँ पर ओके okay, मुझे यहाँ पर इसका यूज करना है तो मुझे यहाँ पर भी इसका यूज करना होगा ठीक है तो तुम फोटोज़ नाम के फोल्डर में जाओ और वहाँ पर से किसी फाइल किसी एक फाइल को तुम उठा लो बट अभी तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट है हमें चाहिए सिर्फ एक फाइल क्योंकि हमें एक ही फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस लिस्ट में से कोई सी एक फाइल सिलेक्ट करने में हम मदद लेंगे रैंडम मॉड्यूल की ताकि रैंडमली सिलेक्ट करे कोई सी भी एक फ़ोटो है ना ताकि आपको भी मतलब कि लगे कि यार चलो मज़ा आएगा देखने में आज हमारे बोट ने कौन सी फोटो अपलोड करी है ये हम देखेंगे ठीक है तो रेंडमली ले सिलेक्ट करेगा और कोई सी भी जो भी रेंडमली फोटो सिलेक्ट होगी उसको ये अपलोड कर देगा तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रैंडम मॉडल का तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइल मतलब कि फाइल नेम में से सॉरी रैंडम में हम यूज़ करेंगे चॉइस चॉइस का चॉइस क्या करता है यार, कि, कुछ यार लिस्ट अगर उसमें है तो वो उसमें से कोई सी कोई सा भी एक आइटम रैंडमली सिलेक्ट कर लेता है तो हमारे पर पास यहाँ पर फाइल्स ना नेम नाम की लिस्ट है इसमें से कोई सा भी एक रैंडम जो है वो नाम सिलेक्ट कर लेगा प्रिंट करके देखते हैं फाइल को ठीक है इसे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कमेंट और रन करके देखते हैं तो देखो इसने इस बार केक टू डॉट जेपी जी सिलेक्ट करिए वापिस रन करूँगा तो केक थ्री कर ली वापिस रन करूँगा सो केक फोर कर ली ठीक है ये मतलब कि सीक्वेंस में नहीं कर रहा है ये देखो आप केक सिक्स कर ली डायरेक्टली एंड uh, वापस से केक सिक्स कर ली तो ये जो है वो उसमें से कोई सी भी एक रेंडम फोटो सेलेक्ट कर लेगा चलो ये काम भी हो गया फाइल का नाम भी सिलेक्ट हो गया सो बॉट डॉट फोटो डॉट अपलोड में से फोटोज नाम के फोल्डर में से तुम ये जो फ़ाइल है इसको अपलोड कर दो तो।, तो ये फाइल्स फाइल को अपलोड कर देगा बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है फोटो अपलोड करने से पहले हमें चेक करना होगा कि ये जो फाइल इसने जो भी सिलेक्ट करी है अगर ये पी टाइप है तो उसे जेपी में कन्वर्ट कर दो ठीक है नहीं तो ये अपलोड नहीं होगी और हमारा जो है वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं सिक्योरिटी चेकअप इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा यहाँ पर इसका एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करूंगा तो इसका एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्प्लिट अंडर स्कोर फाइल नेम मैं इसके फाइल फाइल का जो ये जो फाइल का नेम है मतलब ये वाली फ़ाइल इसको स्प्लिट कर दूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल डॉट uh, मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइल डॉट स्प्लिट किस कहाँ से स्प्लिट कर दो डॉट सब डॉट से स्प्लिट कर दो क्योंकि फाइल का नेम होता है uh, कुछ भी एक्स वाई जेड डॉट जे पी जी या फिर ए बी सी डॉट पी एन जी तो डॉट जो है वो उसमें दो बार नहीं आता डॉट सिर्फ एक ही बार आता है मतलब एक्सटेंशन के पहले और नाम के बाद तो हम इसे डॉट से, से स्प्लिट कर देंगे तो इसमें हमें दो फाइल के नेम मिल जाएंगे मतलब कि आप जैसे इसे स्प्लिट करेंगे ना तो मान लीजिए कि ए बी सी डॉट पी मतलब कि ये फोटो डॉट पी एन जी नाम की कोई इस फाइल का नाम है ठीक है तो ये क्या करेगा हमें फोटो इस तरीके से फोटो और फिर पी एन जी ये दो में हमें इसे बांट कर और इस स्प्लिट फाइल नेम वाले नाम के वेरिएबल में सेव करा लेगा मतलब स्प्लिट फाइल नेम में ये चीज़ें सेव रहेंगी ठीक है और इसमें से हमें एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन के लिए हम लिखेंगे स्प्लिट फाइल नेम और इसमें से तुम फर्स्ट इंडेक्स वाला हमें स्ट्रिंग उठा के दे दो क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एक्सटेंशन का नाम होगा सो ये जो एक्सटेंशन है ये हमारे पास आ गया है अब एक्सटेंशन आ गया है तो हम चेक कर लेते हैं इस एक्सटेंशन को ठीक है तो इसे भी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ वैसे तो स्ट्रिंग में ही रहता है बट लगाने में क्या ज़रा है फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे एक्सटेंशन एक्सटेंशन इज इज इक्वल इक्वल टू टू अगर रहता है तो क्या करो तुम इसे कन्वर्ट कर दो और कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से पी एन जी को जे पी जी में कन्वर्ट करते हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी शो हो रहा होगा आप वहाँ पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं बट इस वीडियो के बाद देखिएगा अभी के लिए मैं वो जो कोड है उसे कॉपी कर लेता हूँ यह रहा पी एन जी टू जे पी जी वाला कोड तो मैं यहाँ करता हूँ उसे कॉपी और ये मॉड्यूल में वहाँ पर इम्पोर्ट कर लूंगा आ, सो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मॉड्यूल इम्पोर्ट कर लेता हूँ इम्पोर्ट फ्रॉम पी आई एल इम्पोर्ट इमेज ठीक है अभी मैं इसे समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एंटर मारा यहाँ पर पेस्ट मारा और देखो तो इसने पी जो है वो अगर पी हुआ तो ये क्या करेगा वो वाली इमेज को ओपन करेगा और ओपन कौन सी वाली इमेज को करेगा ये वाली इमेज को सॉरी ये वाली इमेज को नहीं करेगा आ, न, 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 ये वाली इमेज को ओपन करेगा वो कंट्रोल सी कंट्रोल बी मतलब कि तुम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो फोटोज नाम का फोल्डर है वहां से जो फाइल निकली है तो अगर उस फाइल का पीएनजी वो उसका एक्सटेंशन पी एन जी हुआ तो तुम उसी फाइल को उठाओ उसे कन्वर्ट करो और फिर उसी जगह पर सेव कर दो ये ठीक है तो यहां पर का यूज करते हैं हम और उसी जगह पर जाकर फाइल नेम अब हमें यहां पर फाइल का नेम चाहिए क्योंकि बट आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते तो हम एक काम करते थे इसे सेव कर दो तुम कन्वर्टेड डॉट जे पी जी कन्वर्टेड में उसे सेव कर दो ओके सेव कर देगा ये तो अब हम और फिर एक काम भी करो एक और काम करो कि उस फोटो को जो png टाइप की थी उसे तुम रिमूव कर दो नहीं तो एक काम करेंगे हम रिमूव वाला काम हम लास्ट में करेंगे अभी के लिए हम सिर्फ कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद में तुम अपलोड कर दो ये हमें इसे कॉपी करते हैं और ऐसे यहीं पर पेस्ट कर देते हैं ठीक है कन्वर्ट करने के बाद में तुम इसे सिंपली अपलोड कर दो और अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कन कन्वर्टेड कन्वर्टेड जे पी जी कन्वर्टेड का नाम मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ एच पी जी नहीं जे पी जी सो ये इसे अपलोड कर देगा मतलब कि ये कन्वर्टेड फाइल को अपलोड कर देगा और कन्वर्टेड uh, फाइल जो है वो अपलोड होने के बाद में मैं आपको बताऊं इसमें जब आप फोटो अपलोड करते हैं तो इसके बाद में क्या होता है कि जो भी आपका फाइल का नाम हो जैसे कि फाइल नेम डॉट एक्स वाई जेड ठीक है ये एक्स वाई जेड कोई भी एक्सटेंशन हो तो इसके बाद में ये क्या लगता है डॉट रिमूव मी रिमूव अंडर मी लगा देता है डॉट रिमूव अंडर मी ये ऑटोमेटिकली ये जो हमारा इंस्टा वोट है ये लगा देता है सो so, हमें इसका ध्यान रखना है और इस ये ध्यान रखते हुए हमें उन दोनों फोटोज़ को रिमूव करना है और हाँ अगर ऐसा काम नहीं होता है मतलब कि एल्स वाला काम है मतलब कि पी फॉर्मेट नहीं है कोई सा और फॉर्मेट है फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर ये डायरेक्टली उसे अपलोड कर सकता है ओके सो so, उम्मीद है आपको यहाँ तक कोड कंप्लीटली समझ में आ गया होगा आ, तो अब हम यहाँ पर रिमूव करने का काम करते हैं ठीक है थीके? रिमूव करने के लिए हम लिखेंगे ओ एस डॉट रिमूव यानी कि वो फाइल्स को अपलोड करने के बाद में उसे डिलीट भी कर दो ताकि थोड़ी स्पेस खाली हो तो रिमूव हम लिखेंगे ओ एस डॉट रिमूव और हमें दोनों केस में अलग अलग ओ एस डॉट रिमूव लिखना पड़ेगा वरना हम एक भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं पर अलग अलग ही लिखते हैं तो अच्छा रहेगा तो हमें अगर वो पी एन जी टाइप में है तो सबसे सब पहले तो पी एन जी की इमेज को डिलीट करवाना पड़ेगा और ये जे पी जी वाली जो कन्वर्ट हुई है इमेज उसको भी डिलीट करवाना पड़ेगा सो so, इसके लिए मैं इस पाथ को करता हूँ स्ट्रिंग लगाते हुए यहाँ पर करता है पेस्ट फोटोज में से तुम सबसे सब पहले तो कन्वर्टेड जी पी जी को रिमूव कर दो और uh, फिर uh, हमें फाइल फाइल वाली फाइल को भी डिलीट कराना है ये जो फाइल मैं लिख रहा हूँ इसमें एक्सटेंशन इंक्लूडेड है बट इसमें एक्सटेंशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैं एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यहाँ पर लगाना पड़ रहा है ओके okay, फाइल का तो तुम इन दोनों फाइल्स को जो है वो रिमूव कर दो और अगर मान लो ये केस नहीं होता है मतलब कि इमेज कन्वर्ट ही नहीं हुई तो सिंपली तुम फाइल को रिमूव कर दो मतलब कि सिंपल फाइल को रिमूव कर दो सो दैट्स इट ये हमारा यहाँ पर प्रोग्राम रेडी हो चुका है और यहाँ पर अब कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है बहुत ही मज़े से ये चलेगा बट हम एक काम करते हैं यहाँ पर क्योंकि हम इसे क्लाउड पर अपलोड करने वाले हैं तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक ईमेल सर्विस भेजने के लिए ईमेल भेजने के लिए एक हम कोड लिखते हैं वो क्यों क्योंकि आप जो है वो इसमें एक लिमिटेड इमेज डालेंगे कि सौ इमेज़स या फिर दो सौ इमेजस तो अगर आपकी जब वो इमेजस ख़त्म होने में आए तो ये आपको रिपोर्ट करे कि भाई इमेजेस ख़त्म होने में है प्लीज़ इसमें इमेजेस और अपलोड कर दो ताकि आपको पता चले क्योंकि आपको तो पता नहीं रहेगा आप तो क्लाउड पे डाल के छोड़ देंगे सो so, उस पर उस वो चीज़ करने के लिए यानी कि अलर्ट्स देने के लिए हम यहाँ पर एक ईमेल के फंक्शनैलिटी को भी यहाँ पर बिल्डअप करना चाहते हैं तो मेरे एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पाइथन से आप जी मेल सेंड कर सकते हैं तो इसलिए वीडियो को इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं उस वो वाले वीडियो का जी जो कोड है वो कॉपी कर लेता हूँ और अगर आपको जो है वो देखना है कि वो किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है

ठीक है दो चीज़ और और देनी होगी यहाँ पर आपका ईमेल ईमेल इज इक्वल टू यूअर ईमेल ठीक है मे बी हमें ऐसे इस तरीके से नहीं देना होगा क्या एरर आ रहा है ये रिमूव आर्गुमेंट ओके कंट्रोल सेट करता हूँ मैं और ईमेल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल इज इक्वल टू यू एट द रेट ईमेल आपको जो भी यहाँ पर ईमेल हो वो आप डालें एंड देन आपके जी मेल का पासवर्ड भी लें और हाँ मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसको यूज करने के लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है और वो सेटिंग मैंने आपको वो जी मेल वाले वीडियो में बताई है तो आप वहाँ पर जाकर प्लीज एक बार वो सेटिंग एक बार उस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना वहाँ पर एक ज़रूरी सेटिंग करनी होती है उसके बिना आपका ये फंक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ठीक है तो वो आप सेटिंग जरूर से इनेबल कर देना ओके सो अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट ये हमें बता रहा है सो आई थिंक यहाँ पर गलती ये हो रही है मुझसे कि मुझे यहाँ पर एस डॉट एस डॉट सेंड मेल लगाना होगा सो so, यहाँ पर अनरिजोल्ड सेंड मेल फॉर क्लास एस एम टी पी ओके सो हमें यहाँ पर ये अंडर स्कोर नहीं लगाना है एंड ये ई बी नहीं लगाना है तो अभी हमारा एरर रिजॉल्व हो चुका है so, uh, सो ये मेल किसको सेंड करेगा है? तो ये मेल आप ही को वापिस सेंड करेगा ठीक है टू टू में भी हम ईमेल ही लिख देते हैं ये ये आपकी ईमेल से आपको मेल सेंड करेगा और मैसेज मैसेज आप अकॉर्डिंगली आपको जो रखना हो आप रख सकते हैं सो so, मैं तो यहाँ पर क्या करूँगा कि मैम फाइल्स की फ़ाइल्स uh, का स्टेटस देखना चाहता हूँ कि भाई कितनी फ़ाइल्स जो है वो बची है तो मैं इस फाइल्स नेम वाले लाइन को कॉपी करता हूँ और इसे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं इसे एक्सेस कर सकूँ इस फंक्शन के अंदर और फिर मैं क्या बोल लिखूँगा यहाँ पर लिखूँगा अवेलेबल अवेलेबल फ़ोटोज़ अवेलेबल फ़ोटोज़ इन स्टोरेज मतलब स्टोरेज में फ़ोटो कितनी अपलोड है तो यहाँ पर एफ स्ट्रीम का यूज़ करते हुए मैं जितनी इस फोल्डर में फ़ोटोज़ होंगी उसकी लेंथ निकाल लूँगा कि कितनी फ़ोटोज़ हैं फाइल एंडर्स को नेम करके ठीक है तो अब मुझे जो है वो इसमें जितनी भी इमेजेस होगी मेरे फोल्डर में उसका नंबर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा मेरे मेल पे मुझे आ जाएगा सो मुझे कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं होगी सो इसके बाद में हम एक काम करते हैं यहाँ पर एक एलिफ़ कंडीशन लगा देते हैं ठीक है एलिफ़ अगर जो हमारे हमारे फोल्डर में यानी कि लैन ऑफ फाइल्स नेम मतलब फाइल्स नेम के फोल्डर में अगर कम हो इमेजेस किससे आप ये आपके ऊपर है भाई कि आप बीस इमेजेस हो तब फोटो अपलोड कर, करना चाहते हो नहीं उसमें या फिर तीन इमेजेस हो तब करना चाहते हो फिर दो या फिर सौ इमेजेस बची हो तब आप और फोटोज उसमें अपलोड करना चाहते हो इज अप टू यू तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर दस इमेजेस जो है वो दस से कम हो जाए कम या इसके बराबर हो जाए तो तुम मुझे ये ईमेल सेंड कर दो सेंड मेल नाम का मैंने फंक्शन चालू कर दिया है एंड अब मुझे टू और मैसेज लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टू और मैसेज मैंने इसी में लिख दिया है टू हम ही है ये ई मेल हमसे जाएगा और हम ही सेंड होगा एंड मैसेज मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो अगर जो है वो कभी फोल्डर में फाइल्स दस से कम हो या उसके बराबर हो तो मुझे मेल सेंड कर देना ये हमने हमारे प्रोग्राम को बता दिया है नेक्स्ट अब हमारा काम क्या बचा है ईमेल भी सेंड हो चुका है कंट्रोल ऑल टेल करके थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ कोड को एंड दैट्स ऑल अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रेडी हो चुका है बस हमें हमें यहाँ पर हमारा पासवर्ड वासवर्ड थोड़ा अपडेट अपडेट करना है और हमारा काम हो जाएगा तो चलिए मैं यहाँ पर मेरा सारा ई का पासवर्ड और सारी चीज़ें टाल कर और फिर हम इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं ओके okay, सो so यहाँ पर मैंने मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डाल दिया है पासवर्ड है बहुत पीछे मैंने उसे स्क्रीन से बाहर कर दिया है और ईमेल भी यहाँ पर मैंने डाल दिया है और उसका भी पासवर्ड मैंने डाल दिया है और अब एक काम करता हूँ मैं मेरा यहाँ पर ओपन करता हूँ इंस्टाग्राम और हम टेस्ट कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को कि किस तरीके से काम कर रहा है और अभी आई थिंक हमारे जो फोल्डर है फ़ोटोज़ वाला उसमें दस से कमी इमेज है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ठीक है दस से कमी इमेज है तो हमें मेल भी आना चाहिए तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एट द रेट थ्रू अरने पर यहाँ पर आपको मेम्फेक्ट मोटिवेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि मैं डेली यहाँ पर अपलोड करता हूँ और मैं काम करता हूँ यहाँ पर मेरा जी मेल भी ओपन कर लेता हूँ ओके वरना जी मेल जब मेरा मेल आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है सिक्योरिटी रीजन की वजह से मुझे से अभी नहीं खोलना चाहता सो so, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रेडी है एंड मैं भी रेडी हूँ देखते कोई एरर आता है तो उसे सॉल्व करते अगर नहीं आता है तो खुद को बधाई देंगे रन uh, का बटन दबा दिया मैंने एंड सिंपली ये जो है वो लॉगिन स्टार्ट हो चुका है लॉग इन का प्री फ्लो जस्ट लॉग इन ट्रू मतलब कि लॉग इन हो चुका है हमारा सक्सेसफुली uh, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर और क्योंकि हमारी इमेज़ कम है तो हमें मेल भी आएगा बिल्कुल और तब तक आप एक काम करें अपना मोबाइल ओपन करें इंस्टाग्राम खोलें और वहाँ पर एट द रेट थ्रू वर टाइप करें और मुझे फटाफट से फॉलो कर लें क्योंकि तो यहाँ पर मैं आपको मीम फैक्ट और मोटिवेशन जो है वो डेली दिन में फ्रिक्वेंटली अपडेट यहाँ पर पोस्ट करता हूँ ठीक तो है और अगर आपकी कोई से क्वेश्चन या क्वेरीज भी हो तो भी वो आप मुझे डायरेक्टली डी करके पूछ सकते हैं ओके सो हमारा कोड बिना चले ख़त्म हो गया वाई बिना चले ख़त्म क्यों हो गया सो so, यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा सो 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 तो दिक्कत यहाँ पर क्या हो रही है कि यहाँ पर यह लॉग इन हुआ सक्सेसफुली एंड बट इसने कुछ अपलोड नहीं करा ओके आई थिंक बट पी एन जी भी हो गया होगा तो अपलोड तो करना ही चाहिए था फोटोज़ को एंड मेल भी सेंड करना चाहिए था ये हमारा कोई फंक्शन के अंदर तो है नहीं तो मैं काम करता हूँ उसे राइट क्लिक करके और वापस से रन करता हूँ तो राइट क्लिक करके रन करा एंड आई थिंक मैंने कोई सा दूसरा कोड जो है वो रन कर दिया था जिसकी वजह से इसने कोई सी फोटो अपलोड नहीं करी नहीं बट ये दूसरा नहीं था यही वाला कोड था और फिर से इसने जो है वो कुछ भी अपलोड नहीं करा सो so, ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा आई थिंक ये फेल्स कंडीशन की वजह से ये सारा घबूला हो रहा है एक्सटेंशन प्रिंट करके देखते हैं कि क्या एक्सटेंशन आ भी रहा है कुछ भी रन uh, करा यहाँ पर मैंने इसे लॉग इन हो गया एक्सटेंशन डॉट जी पी जी है तो एलिफ आई थिंक यहाँ पर हमने दिक्कत क्या कर दी है कि uh, इसे हमें यहाँ से मिटाना पड़ेगा और इसे हमें यहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा और ये क्या कर रहा है मुझे समझ में आ गया देखो क्या हो रहा है कि ये जैसे कोई सी फोटो अपलोड करने जा रहा था तो ये जेपी टाइप की फोटो निकली ठीक है तो इसने चेक करा क्या इसका एक्सटेंशन जेपी है नहीं है कोई दिक्कत नहीं जेपी नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट वाली कंडीशन पे गया पर इसने चेक करा क्या फाइल दस से कम है तो जी हाँ दस से कम है इसने मेल सेंड करा और ये कोर्ट से बाहर आ गया मतलब ये एल्स पर गया ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा इस कोड को करना पड़ेगा कट करना पड़ेगा पेस्ट और इसे एक अलग इफ कंडीशन में हमें रखना पड़ेगा ठीक है इसे मैंने अलग अलग इफ कंडीशन में रखा और इस एल्स को मैंने इस इफ ब्लॉक के लिए रखा अब ये हमारा कोड परफेक्टली काम करेगा सो so, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ मैं और रन करता हूँ एंड अब ये पूरी उम्मीद है कि फोटो अपलोड करेगा लॉकडन सक्सेसफुली जेपी टाइप की इमेज निकली है ये इसने फोटो जो है वो डेटेड कर ली हाइट एंड विथ और हाइट आपको दिख रही है यहाँ पर बट इसने जो है वो फोटो अपलोड नहीं करी ऐसा क्यों हो रहा है सो so, ये बता रहा है फोटो डज नॉट है कॉम्पेटिबल एक एक्स एस्पेक्ट रेशो सो so, जो हमारे ने जो यहाँ पर फोटोज अपलोड करी है ये आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बड़ी है ठीक है ये देख ले देख लीजिए विथ और तो हाइट की काफ़ी बड़ी है तो मैं काम करता हूँ यार कुछ दूसरी फोटोज इसमें डालता हूँ ओके ओके okay, तो जैसे कि इंस्टाग्राम पर आपको पता होगा कि उसमें बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ जो वो नहीं डल पाती है तो इस बार मैंने जो है वो इंस्टाग्राम के हिसाब से यहाँ पर फोटोज़ लगाई हैं जो कि इंस्टाग्राम पर अपलोड हो वो कुछ ज़्यादा ही हाई डिफिशन डेफिनेशन डिफिनीशन वाली थी एच डी फ़ोटोज़ थी वो और काफ़ी बड़ी भी थी जिसके कारण वो अपलोड नहीं हो पाई तो एच डी फोटोज़ नहीं हो सकती ये हमें इस बात से पता चल गया एच डी वो अपलोड नहीं हो सकती और ऐसे इंस्टाग्राम पर भी आप डायरेक्टली करेंगे तो भी वहाँ पर नहीं होगी सो so, अब हमने एक अच्छी इमेज इसे रही है और अब मैं इसे रन कराता हूँ और अब जो है वो थर्ड टाइम है उम्मीद है ये सक्सेसफुली अब हमारी उसे फोटो अपलोड करेगा पी टाइप की से इमेज फाउंड हुई है इसने कन्वर्ट कर दिया है शायद तक आ, मैं यहाँ पर मेरे शो ऑटो इंस्टा वाले फो में जाकर देखता हूँ सो so, ऑटो इंस्टा पर मैं गया तो आई थिंक यहाँ पर कन्वर्टेड नाम की ये देखिए कन्वर्टेड नाम की इमेज है यहाँ पर जूम करता हूँ थोड़ा सा सो so, एक और ये देखिए कन्वर्टेड डॉट जे पी ई डॉट रिमोव मी सो यहाँ पर एक एरर आया है कि ये जो है वो कन्वर्टेड डॉट जे को नहीं ढूंढ पा रहा है और ये एरर बिल्कुल जायज़ है क्योंकि हमने रिमूव करते समय इसमें डॉट रिमूव मी नहीं लगाया मैंने आपको बताया था कि इसे लगाना है बट मैं ही भूल गया सो so, मैं इसे रिमूव मी इसके आखरी में लगा देता हूँ ताकि इसे ढूंढ पाए तो इसने अपलोड तो कर दी है बट ये इसे जो है वो डिलीट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि फ़ोटो का नाम चेंज हो गया है ये देखिए कन्वर्टेड डॉट जी पी जी रिमूव में हो गया है सो अब मैंने दोनों जगह रिमूव में लगा दिया है और यहाँ पर भी मैं रिमूव में लगा देता हूँ कॉपी करके पेस्ट करके ठीक है बट हमारी फोटो जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है मैं आपको रिलोड करके दिखाता हूँ मेरी प्रोफाइल ये देखिए फोटो तो जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और कैप्शन भी यहाँ पर लिखा आ चुका है अब कैप्शन आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं उसके लिए मैं आपको नहीं बताता हूँ कि कैसे डालना है कुछ भी आप कैप्शन डाल सकते हैं यहाँ पर आपकी मर्जी के ऊपर है सो अब हम वापस से हमारे कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है अब सो डॉट ये जेपी नाम की फाइल डिलेटेड हुई है और इस बार इसकी वेट और तो हाइट एकदम बराबर है मतलब कि एकदम सही है एंड अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अपलोड कर देगा सो so, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट कनेक्शन जो कि है मेरा स्लो फिलहाल की कंडीशन में और इसने जो है वो अपलोड कर भी दी और फाइल को डिलीट भी कर दिया देख लीजिए इसने कौन सी फ़ोटो अपलोड करी है इसने ये लंबी चौड़ी फ़ोटो जो है वो अपलोड करी है और उसे डिलीट भी कर दिया सक्सेसफुली मतलब कि अगर अब आप अपने फ़ोटोज़ में जाकर उस फ़ोटो को ढूंढेंगे जो कि अपलोड हो चुकी है तो वो फ़ोटो आपको आ, नहीं मिलेगी नो आइटम्स ठीक है क्योंकि वो फ़ोटो अब हो चुकी है डिलीट सो so, ये काफ़ी अच्छा बढ़िया सा प्रोग्राम बना लिया है और हम फोटो तो देखिए कौन सी फ़ोटो अपलोड हुई है सो so, ओके okay, ये वाली फ़ोटो जो है वो अपलोड हुई है सो so, काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट आपने बना लिया है यार ऑटो इंस्टा का और ऑटो इंस्टा का हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर होता है ख़त्म बट अभी ये इसका काम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है हमने प्रोग्राम तो बना लिया है बट इसे अभी हमें क्लाउड पर भी अपलोड करना है तो उसके लिए अगले वीडियो का आप इंतजार करें जहाँ पर हम इसे क्लाउड पर अपलोड करेंगे और इसे पूरी तरीके से ऑटोमेट कर देंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पूरी तरीके से इसे क्लाउड पर अपलोड करना है और ये ऑटोमेटिकली चलेगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और अगले वीडियो में हम इसमें टाइम भी टाइम के ब्रेक भी लगाएंगे हम नहीं चाहते कि हमारा ये प्रोग्राम लगातार कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पर फोटोज अपलोड करते रहे हम चाहते हैं कि भाई दिन कि कुछ घंटों बाद जो है वो अपलोड हो या फिर एक दिन में एक बार अपलोड हो सो so उसके लिए भी उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम इस कोड में अगले वीडियो में करेंगे बट फिलहाल के लिए अगर आप इस कोड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर कर सकते हैं और लोकल मशीन में तो रन करा ही सकते हैं अगर आपको क्लाउड पर नहीं अपलोड करना है तो आप लोकल मशीन में भी इसे मैनुअली बस इस स्क्रिप्ट को रन करा कर और ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही यार मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में तब तक के लिए 拜拜。